नमस्कार साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा और पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए जो अलग अलग जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगा, उनसे आपको मैं बताऊंगा कि पॉक्सो एक्ट किन किन परिस्थितियों में लागू होता है। पॉक्सो एक्ट जब किसी भी आरोपी के खिलाफ लगाया जाता है तो वहाँ पे पीड़िता है, जो फरियादिया है, जिसने शिकायत किया है, उसकी उम्र का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा साथियों, पॉक्सो एक्ट जब भी किसी आरोपी के खिलाफ लगाया जाता है तो वहाँ पे पीड़िता के कौन से दस्तावेज देखे जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल की मार्कशीट या फिर अन्य कोई दस्तावेज जिनके आधार पर ये फैसला होता है कि यहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो साथियों, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट बताऊंगा जिसके आधार पे, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी बच्चे की आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। और साथियों, इसके अलावा जो एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जहाँ पे जो सबूत हैं वो इस प्रकार से हैं कि बच्चे की आयु का निर्धारण नहीं किया जा पा रहा है या फिर उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो जो डॉक्टर्स के द्वारा जो राय सलाह ली जाती है उसकी कितनी वैल्यू होती है, उसकी एविडेंसरी वैल्यू कितनी होती है और कोर्ट में उसको कितनी प्राथमिकता दी जाती है। और साथियों, कुछ जजमेंट और भी आपको बताऊँगा जिसमें कि जहाँ पर इसका निर्धारण सही तरीके से नहीं होता है वहाँ पर इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आखिर पॉक्सो एक्ट है क्या। आप लोगों को हो सकता है जानकारी हो, प्रिवेंशन सन ऑफ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इस पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है और हिंदी में से कहा जाता है लैंगिक हिंसा से बच्चे का संरक्षण अधिनियम 2012। साथियों, ये जो कानून बनाया गया है यह मुख्यतः ये उस परिस्थिति में लागू किया जाता है कि जहाँ की बच्चे की आयु 18 साल से कम है और उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई लैंगिक हिंसा हुई है या फिर वो उत्पीड़न का शिकार हुआ है, वहाँ पे ये एक्ट अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे इस एक्ट को लागू किया जाता है और आरोपी के खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत धाराएँ लगाई जाती हैं। अमूमन जो धाराएँ यूज की जाती हैं, हमने काफ़ी सारे चार्जशीट में देखा है, केस में देखा है, वो सेक्शन 3, 4, 5L, 6, 7, 9 ये धाराएं लगाई जाती हैं। इन सभी धाराओं के अलग अलग मतलब हैं लेकिन अभी मैं आपसे उस संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको मुख्यतः पॉक्सो के बारे में बताऊंगा कि पॉक्सो एक्ट किस परिस्थिति में लागू किया जाता है और किस आधार पे कोर्ट पॉक्सो के मामले में फैसला लेती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो साथियों, ये जो पॉक्सो के जो भी मामले होते हैं, आपने देखा होगा कि पॉक्सो के जो मामले होते हैं, एक जो स्पेशल कोर्ट होती है, जो स्पेशल कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट में जब ये मामला जाता है, आपने देखा होगा वहाँ पे, अगर आप कभी गए होंगे कोर्ट में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पॉक्सो के लिए एक स्पेशल कोर्ट होती है। वहाँ पे जो पॉक्सो के जो भी मामले होते हैं वो उस विशेष न्यायालय में ही चलते हैं। अब साथियों, सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि क्या जो पीड़िता है, जो अभियोक्त्री है, जो लड़की, जो बच्ची है, उसकी उम्र जो है क्या वो 18 साल से कम है या ज़्यादा है। और इस एक्ट के सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जहाँ पे उस बच्ची की उम्र को लेके कोई विवाद है या फिर जहाँ उम्र को लेके कोई संशय है तो कोर्ट वहाँ पे सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई, मतलब जब ऐसे कोई फैक्ट हो कोर्ट के पास जिससे कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाए, और कोर्ट किस आधार पे सेटिस्फाई है, कोर्ट ने किस आधार पे पॉक्सो इस केस में लगाया है, उसका क्या कारण है, कोर्ट को अपने जजमेंट पे लिखना होता है। अब साथियों, निश्चित तौर पे जहाँ कोर्ट को अपने जजमेंट पे लिखना होगा कि किस आधार पे पॉक्सो की धारा लगाई गई है, तो वहाँ पे कोर्ट जो फैसला करती है, कोर्ट जो निर्णय लेती है वो वहाँ पे अलग अलग आधार पे लेती है। अब साथियों, जो सबसे पहले जो हमें लगता है कि किसी भी बच्चे की जो एज है, जो उसका निर्धारण है, वो आधार कार्ड से हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। पॉक्सो के मामले में जो आधार कार्ड है वो नहीं देखा जाता है बच्चे की जो का जो इसके अलावा अन्य कोई जो प्रूफ हैं, जैसे अन्य कोई उसके कार्ड हैं
या फिर जिसके आधार पे ऐसा लग रहा है आपको कि उसके उसका डिसाइड किया जा सकता है कि हाँ इसकी उम्र ये है, उनके अलावा मुख्यतः इसमें इस मामले में ही देखा जाता है कि बच्चे का जो स्कूल सर्टिफिकेट है, बच्चा बच्चे ने जब किसी कक्षा में पहली बार प्रवेश लिया था या फिर अभी जहाँ तक वो पढ़ रहा है, तो उस समय को जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को मुख्यतः इस तरह के मामलों में एग्जिबिट कराया जाता है, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। अब साथियों कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी कुछ विवादास्पद स्थिति बनती है कि जैसे मान लीजिए कि जो रजिस्टर है, जो सबसे पहली जो जब बच्चे ने पहली कक्षा में एडमिशन लिया उस समय जो रजिस्टर है उसमें जो जन्मतिथि लिखी गई है वो अलग लिखी गई है, जो बच्चे की जो मार्कशीट है उसमें जो लिखी गई है वो अलग लिखी गई है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे ये डाउट होता है तो वहाँ पे इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है। इसमें मैं जजमेंट भी आपको बताऊंगा कि उसका फ़ायदा आरोपी को किस तरह से मिलता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे जो मुख्यतः जो डिफेंस के जो एडवोकेट होते हैं उनका जो मुख्यतः जो काम होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे जो स्कॉलर रजिस्टर है वो सही तरीके से उसमें जो एंट्री की गई है वो वही एंट्री की गई है जो स्कूल के सर्टिफिकेट में है या नहीं है। दूसरा वहाँ पे जो पिता और माता का जो नाम लिखा है वो वही नाम लिखा है जो बच्चे के माता पिता का है या नहीं है। इसके अलावा साथियों जब भी इस तरह के मामले होते हैं हमेशा जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है कोर्ट में। अब साथियों यहाँ पे जो हमें सबसे पहले जो सवाल करना चाहिए वहाँ पे इस रजिस्टर की ऑथेंटिसिटी को लेके कि ये कितना सत्य है, हमें सबसे पहले तो उससे इस तरह के सवाल करना चाहिए साथियों जैसे कि ये रजिस्टर ये जब ये नोट किया गया जो जन्मतिथि नोट की गई वो किस आधार पे नोट की गई है, क्या जब जन्मतिथि लिखी गई है तो उस समय कोई दस्तावेज भी लिए गए थे जैसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर नगर पंचायत का सर्टिफिकेट या फिर ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट या फिर हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट या फिर अन्य कोई दस्तावेज जो ये प्रमाणित करते हों कि हाँ इस बच्चे की जन्मतिथि यही है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं उस स्कॉलर रजिस्टर की सच्चाई को लेने को जानने के लिए। इसके अलावा साथियों हमने कई जगह देखा है, एक दो मामले हमने देखे हैं जिसमें कि उसको वाइटनर से उसको चेंज कर दिया गया था और बच्चे की जो एज है उसे कम दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था। और इसके बाद जब गवाही हुई इसमें जब माता पिता की जब गवाही हुई उसमें भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने जब बच्चे का जब एडमिशन कराया तो उस समय आपने इन्हें कोई दस्तावेज दिए थे या नहीं दिए थे, आपने जो जन्मतिथि लिखवाई वो अंदाज से लिखवाई या नहीं अंदाज से लिखवाई थी या फिर किसी किसी दस्तावेज के आधार पर लिखवाई थी। और इसके अलावा साथियों हम कई बार ये भी सवाल पूछते हैं उनसे कि क्या ऐसा है कि कई बार ऐसा होता हमने देखा है आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चे की जब स्कूल में जो जन्मतिथि लिखवाई जाती है वो हमेशा कम करके लिखाई जाती है, अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल का है तो 4 साल 3.5 साल 3 साल इस प्रकार से लिखवाई जाती है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाने चाहिए वहाँ पे इस बात को जानने के लिए इस बात किसकी सच्चाई जानने के लिए कि क्या यहाँ पे जो स्कॉलर रजिस्टर में जो बात जो लिखी गई है बात वो सही है या फिर वो कहीं गलत है। अब साथियों आल्दो अगर मान लीजिए कि जो स्कूल का जो रजिस्टर जो स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट में ऐसा माना गया है कि वो एडमिसिबल है और उस पर बिलीव किया जा सकता है, लेकिन साथियों उसके बावजूद भी उसको जो अन्य जो साक्षी हैं उसको उन्हें स्वीकार करना होगा कि हाँ इसमें जो बातें लिखी गई हैं सही लिखी गई हैं और जो उसके जो तथ्य हैं उसमें जो भी फैक्ट बताए गए हैं वो सही बताए गए हैं। अगर उन फैक्ट्स को कोई डिनाई कर देता है तो उस कंडीशन में साथियों यहाँ पे जो मामला जो पॉक्सो का है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे 18 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के मामले में इस ये जो एक्ट है वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन जहाँ उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वहाँ उस कंडीशन में ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पे जहाँ कहीं भी अगर आपका कुछ मामला ऐसा है जहाँ कोई निर्दोष व्यक्ति है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो पॉक्सो एक्ट इसलिए लग रहा है लागू है क्योंकि जो बच्चे की जो उम्र है वो 17.5 साल है या फिर 17 साल है या फिर 17 साल 8 महीने है, अगर इस प्रकार से कुछ मामला है तो वहाँ पे आपको इस तरह के जो मामले हैं वहाँ पे आपको उसका बारीकी से एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब साथियों इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का
जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जो स्कॉलर रजिस्टर है उसमें कुछ डाउट है, उसको वाइटनर से चेंज किया गया है, या फिर ओवरराइटिंग है, या फिर उसमें जो बातें लिखी गई हैं उस बात को बच्चे के माता पिता ने समर्थन नहीं किया है। मान लीजिए उसमें लिखी है कि बच्चे का जो जन्म तिथि 2002 है एग्जाम्पल के जरिए, और जब माता पिता से उनसे सवाल किया गया तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं, बच्चे का जन्म लगभग 2000 सन 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा गैप आ रहा है, 2 साल का गैप आ रहा है। और अगर बच्चे का जन्म 2000 में होगा तो निश्चित तौर पे जो बच्चे की जो उम्र है, अगर आपका मामला 2018-19 का है तो वो 18 साल से ऊपर हो जाएगी। इस कंडीशन में पॉक्सो का जो एक्ट है वो अट्रैक्ट नहीं होगा और वो लागू नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर है। अब साथियों, जो ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसका हमने जिक्र किया था, कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो डाउट है, क्योंकि उसकी जो जन्म तिथि है उसको लेके कुछ संशय है, या फिर कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जो स्कॉलर रजिस्टर है उसमें भी कुछ आयु सही से नहीं मिल पा रही है जो उनके माता पिता बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे का ऑसिफिकेशन टेस्ट भी कराया जा सकता है। उसमें उनकी हड्डियों का परीक्षण किया जाता है, और हड्डियों के परीक्षण के आधार पर ये फैसला ले जा ये बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पे बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है। अब साथियों, इस ऑसिफिकेशन टेस्ट के मामले में कोर्ट ने यह माना कि इसमें 6 महीने का आगे पीछे का जो वेरिएशन हो सकता है। अगर ऑसिफिकेशन टेस्ट में बच्चे की उम्र 17.5 साल आ रही है, तो कोर्ट वहाँ पर यह मान लेती है कि वो बच्चा 18 साल का भी हो सकता है, और वहाँ पर इसका फायदा आरोपी को मिलता है, पॉक्सो एक्ट की धारा अट्रैक्ट नहीं होती है। और साथियों, जो जो ऑसिफिकेशन जो टेस्ट है, ये इसको जो वरीयता दी जाती है, आप कह सकते हैं जो इसकी एविडेंसरी वैल्यू है वो इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है, इसको सबसे सबसे लास्ट में इसको प्रायोरिटी दी गई है। कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं ये साबित करने के लिए कि बच्चे की जो उम्र 18 साल से कम है, वहाँ पे इस कंडीशन में ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है। इसको लेके एक जजमेंट भी, आप जजमेंट देखिए कि अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा ही है जहाँ पे बच्चे की उम्र 17-17.5 साल के आसपास है और ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा इस जजमेंट का मिल सकता है। स्क्रीन पर साथ आप जजमेंट देखिएगा, ये जजमेंट है मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध अनूप सिंह, और इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि ऑसिफिकेशन टेस्ट आय निर्धारण के लिए एकमात्र आधार नहीं है, यद्यपि आय निर्धारण के लिए यह एक उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है, किंतु यह पूर्णतः विश्वसनीय एवं निश्चायक सबूत नहीं है, क्योंकि इस विधि से जांच की गई आयु में मार्जिनल त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ ऑसिफिकेशन टेस्ट है और जहाँ बच्चे की उम्र 17 साल के आसपास है, वहाँ पे आप इसका फायदा आपको मिल सकता है। अब साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कोई कुछ कुछ जजमेंट हम देखते हैं, जिसमें कि ऐसा बताया गया है कि जो बच्चे की जो उम्र का जो निर्धारण है, अगर वो कुछ डाउटफुल है, वहाँ पे कुछ संशय हो रहा है, हालांकि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इसके लिए कोई ऐसा बहुत टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उनको लागू नहीं किया जाना चाहिए, कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा नाबालिग, बच्चे की उम्र, बच्चा नाबालिग नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ कहीं एक संशय पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो फ़ायदा है वो आरोपी को मिलेगा। इस मामले में साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का को जजमेंट है आप देखिएगा स्क्रीन पे, ये अरनित दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 का है, और इसमें बताया गया, वाइल डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द अक्यूज फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर ही इज ए जुबिनाइल आर नॉट, हाइपर टेक्निकल अप्रोच शुड नॉट बी अडॉप्टेड वाइल अप्रिशिएटिंग द एविडेंस एड्यूस ऑफ बिहाफ ऑफ द अक्यूज इन सपोर्ट ऑफ द प्ली दैट ही इज ए जुबिनाइल एंड ऑफ टू ब्यूज आर पॉसिबल ऑन द सेम एविडेंस द कोर्ट शुड लीन इन फेवर ऑफ होल्डिंग द अक्यूज टू बी ए जुबिनाइल इन बॉर्डर लाइन केस, दिस इज बेस्ड ऑन क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल दैट बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो टू द अक्यूज एंड दिस होल्ड गुड इन केस ऑफ ए डिटर्मिनेशन ऑफ अक्यूज और ऑफ चिल्ड्रन एलिस्ट टू बी कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि इसमें जहाँ वो बॉर्डर लाइन के पास है तो वहाँ पर उसका जो फ़ायदा है वो आरोपी को मिल सकता है। इससे मिलता जुलता ही जजमेंट और भी है, आप उसको भी देखिएगा। साथियों, जो जजमेंट है श्वेता गुलाटी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एससीसी ऑनलाइन, जिसमें वाइल डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द विक्टिम द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल स्टेज शुड गो टू द अक्यूज्ड एनी बेनिफिट ऑफ डाउट अदर थिंग बीइंग इक्वल एट ऑल स्टेज गोज इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। तो साथियों, यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि जहाँ पे उनकी एज का निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे इसका जो फायदा है, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो निश्चित तौर पे आरोपी को मिलेगा।
अब साथियों इसी प्रकार से एक मामला और भी था, उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे जो एज थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने तो उसे सज़ा दे दिया था, लेकिन जब मामला पहुँचा हायर कोर्ट में तो वहाँ पे कोर्ट ने इस बात में जब उसको कोर्ट ने जो एविडेंस को जब अप्रिसिएट किया, जब उसको देखा, उसको एवेल्युएट किया, तो कोर्ट इस निष्कर्ष से पहुँचा कि यहाँ पे जो एविडेंस हैं वो डाउटफुल हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो अपीलेंट को मिलेगा, और यहाँ पे भी जो जो एज जो उनका जो एज का जो निर्धारण है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए उसका फ़ायदा अपीलार्थी को मिलेगा। साथ ही यह जजमेंट भी आप देखिएगा, ये सुनील विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2010 में का जजमेंट है, ये सीसी में पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया कि इन ए क्रिमिनल केस द कन्विक्शन ऑफ अपीलेंट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेट डेट विच इज नॉट सपोर्टेड बाई एनी रिकॉर्ड, इट वुड बी क्वाइट अनसेफ टू बेस कन्विक्शन ऑन अप्रोप्रिएट डेट, अप्रोक्सीमेट डेट। साथ ही इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था कि कोर्ट ने आरोपी को जो सजा दिया था वो इस आधार पे दिया था कि यहाँ पे जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसकी जो उम्र है वो लगभग 18 साल से कम है, लेकिन वो डिसाइड नहीं था कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या, उसका डेट ऑफ ईयर है क्या। कोर्ट जहाँ पे कुछ अंदाज से डिसाइड करते कि नहीं यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है ना, और साथ में कोई सपोर्टिंग में कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका जो फायदा है जैसे कि हमने आपको जजमेंट में बताया है कि उसका फायदा निश्चित तौर पे आरोपी को मिलेगा। तो साथियों ये केवल पॉक्सो का हमने एक पहलू जो था एज को डिसाइड करने को लेकर हमने आपसे केवल वो आपको बताया है, इसके अलावा पॉक्सो से संबंधित और भी कुछ फैसले हैं और भी कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या फिर आप मुझे कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मुझे ये जानकारी होती है कि वास्तव में आप क्या जानना चाहते हैं और आप किस तरीके से, कौन से आपके सवाल हैं, जिससे मेरे लिए भी आसान रहता है कि मैं वो वीडियो बनाऊं जो जो आपके लिए, जिनसे आप उनसे लाभान्वित हो सके, और कुछ ऐसी बातें जो कानून की बातें हैं और जो आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाती हैं और आपके लिए उनको एक्सेस करना आसान नहीं है, वो बातें आप वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा सके, मेरा ये प्रयास रहता है। धन्यवाद साथियों।